सड़क ऐसी भी जिसका नहीं हुआ 78 वर्षों से निर्माण। ग्रामीण लगा रहे प्रशासन से गुहार, आखिर कौन सुनेगा उनकी पुकार। 15 अगस्त को पूरा देश आजादी का 78वां जश्न मनाएगा, लेकिन आज भी कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड में एक सड़क ऐसी है जिसका हाल बेहाल हो चुका है, लेकिन इस सड़क को बनाने वाला कोई नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन आज तक इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। इस सड़क का कोई ठिकाना नहीं है, दिन रात हम लोग को कादों में चलना पड़ता है, और उससे बड़े हम लोग पानी में डूब के मर जाए वही ठीक है। कहे ये हम लोग का सरकार कुछ नहीं काम करके देता है, न देखता है हम लोग को। मुखिया है जनप्रतिनिधि? अरे मुखिया जनप्रतिनिधि है तो सब साला वैसे ही भेड़िया दशन है, कोई कर्म का नहीं है। वोट देते हैं, वोट देने का टाइम में बोलता है कौन जी जो इस बार वोट दे करके जिताइए और हम एकदम सड़क बना देंगे। ऐसे करते करते कितना मुखे दुखे चला गया भाई पानी में। कितने समय से सड़क नहीं बनाया? अरे यहाँ कम से कम 20-25 साल हो गया। यह सड़क अवस्थित है अहमदाबाद प्रखंड की जंगलाटाल पंचायत के वार्ड नंबर 10 कटहलबाड़ी गाँव में। कटहलबाड़ी गांव के ग्रामीण एक लंबे अरसे से पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो इस गांव में कभी भी पक्की सड़क नहीं बनी, कच्ची सड़क होकर ही ग्रामीणों को आवागमन करना पड़ता है। हाथ तो तब हो जाती है जब बरसात के दिनों में लोगों को इस सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। पूरी की पूरी सड़क कीचड़ से भर जाती है, स्कूली छात्रों को भी इसी कीचड़ भरी सड़क से होकर विद्यालय जाना पड़ता है, जिसके कारण विद्यालय पहुंचते पहुंचते इन छात्र छात्राओं की स्थिति खराब हो जाती है। ग्रामीण बताते हैं कि इसको लेकर कई बार उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई और अधिकारियों से भी, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सबने सिर्फ कोरा आश्वासन दिया, किसी ने भी सड़क बनाने की जहमत नहीं उठाई। पक्की सड़क नहीं रहने के कारण इस गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पीड़ा हो तो उन्हें खटिया पर लाद कर ले जाना पड़ता है। होता है बीमार होता है, एम्बुलेंस का सुविधा नहीं है, गांव पे नहीं आ पा रहा है, 1 किलोमीटर कंधा पे लेके जाना पड़ रहा है, 4 पहिया पे दिक्कत होता है। यह जर्जर सड़क सरकार के विकास के दावों की पूरी तरह पोल खोलती है। आखिरकार कौन इस जर्जर सड़क का जिम्मेदार है? बिहार सरकार लाख दावे कर ले सड़क के जाल बिछाने की, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं अहमदाबाद प्रखंड में जहां लोगों को पक्की सड़क मयसर नहीं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अहमदाबाद प्रखंड के जंगलाटाल पंचायत, वार्ड संख्या 10 है, कटहलबाड़ी गांव कहलाता है। तस्वीरों से मैं एक बार फिर रूबरू करा दूं कि इस तरफ की आप तस्वीर देखेंगे कि इसी सड़क होकर लोग आवागमन करते हैं। इसको लेकर क्या कहते हैं ग्रामीण, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए सर, मामला ये है कि हम लोग इस गांव में लगभग 55 से 40-45 साल से रह रहे हैं। कंडीशन ये है कि आज से 20 साल पहले ये रोड का कंडीशन था ही नहीं। जब ये मनरेगा वाला काम आया, प्रधानमंत्री योजना वाला, जब ये रोड का सेंक्शन हुआ, कई एक मरतबा जो यहाँ नापी करके गया, कुछ दूरी तक जो है यहाँ सिंह यहाँ ढाला से लेकर के असामुद्दीन के घर तक जो है ढलाई का प्रक्रिया हुआ है। वो कैसा रोड? वो अब तक उतना सही सलामत सही नहीं है, फिर भी चले बुल है, लेकिन अब तक जो भी वहाँ से लेकर के जानबिल के जो है कोने तक, वहाँ तक बहुत बड़ी समस्या का जो है सामना करना पड़ता हम सभी यहाँ परिजनों को। बात यह है कि सबसे पहली बात यह कि जो यहाँ का जो रोड का जो कंडीशन है, कभी भी रात में अगर कोई लेडीज का डिलीवरी हो जाता है तो उसके लिए साधन का व्यवस्था नहीं है। रोड का मामला है, जबकि ये रोड हो रहा है, बारिश हो रहा है, तब तो बहुत खराब हो जाता है कि जाने के लिए बहुत दिक्कत पड़ता है सबको। अब बच्चा सब स्कूल जाता है, वो भी जाने के लिए कितना बार गिरता है, पड़ता है, आता है, घूम के भी आ जाता है, स्कूल नहीं जा पाता है बच्चा सब। रोड कितना बार आता है बनाने के लिए, नहीं बनता है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल दिया और निकल के चला गया। यह तो 25-26 साल से ऐसा ही है। निश्चित तौर पर ग्रामीणों की मांग जायज है, पिछले कई वर्षों से लगातार ग्रामीणों की मांग हो रही है यहाँ पे सड़क निर्माण कराने की, लेकिन आज भी सड़क की स्थिति बद से बदतर है। आपको एक बार फिर वो तस्वीर दिखा दूं कि यहाँ पे ईंट सोलिंग का काम
कई वर्ष पूर्व कराया गया था। इससे जब आप आगे की ओर चलेंगे तो वहां पे केवल आपको कच्ची सड़क ही दिखेगी। खास तौर से बाढ़ बरसात के दिनों में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को आवागमन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। हालांकि ये गांव सिंहिया बांध से लेकर के कटहलबाड़ी होते हुए ये चिल्हनिया गांव तक को जोड़ने वाला एकमात्र मुख्य मार्ग है, लेकिन इससे आज भी लोगों को आवागमन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर अब तो वक्त ही बताएगा कि कब तक अधिकारी की नींद खुलती है और इस सड़क का निर्माण कब तक कराया जाता है। क्यों नहीं कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी इस सड़क को बनाने की जहमत उठा रहा है? आखिर कब खुलेगी नेताओं एवं अधिकारियों की नींद और कब बनेगी यह सड़क, यह आने वाला वक्त ही बताएगा।